आज़ुबल मिन शहीजि बसमरम इराूम असलकम डर स्टूडेंट आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा की बोर्ड से रिलेटेड और इसके अंदर आज हम सीखेंगे एरो की का यूज़ करना यानी कि एरो की को किस तरह हम जो है वो यूज़ करते हैं तो लेट स्टार्ट सबसे पहले हम चलते हैं डेस्क टॉप के ऊपर आपको यहाँ पर जो है वो आईकॉन नज़र आ रहे होंगे ठीक है एक तो आप माउस पॉइंटर के ज़रिए जो है वो इनके ऊपर चले जाते हैं ठीक है अगर आप चाहें तो आप जो है वो अपने कीबोर्ड के ऊपर जाके एरो की को लेफ्ट राइट अप और डाउन के जरिए भी जो है वो आई के ऊपर जा सकते हैं ये देखें आप डेस्कटॉप की तरफ देखें आई जो है वो मैं एरो की के ज़रिए डाउन कर रहा हूं और यहां पर देखें जो है वो मैं ऊपर जा रहा हूं अगर मैंने राइट right की जानब जाना है तो राइट एरो में प्रेस करूंगा और अगर मैंने लेफ़्ट की तरफ जाना है तो मैं लेफ़्ट प्रेस करूंगा और जिस आइकॉन को मैंने जो है वो ओपन करना है उसके ऊपर जाके मैं इंटर लगाऊंगा तो आप देखें कि वो जो है वो ओपन हो जाएगा इसके अलावा जो है वो आप स्टार्ट बटन पर चले जाएं आपने कोई भी जो है प्रोग्राम ओपन किया हुआ है आप उसके डायलॉग बॉक्स के ऊपर जाना चाहते हैं तो आप देखें एरो की का यूज़ करके अप डाउन राइट लेफ्ट जा सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्ड पैड है मैं राइट प्रेस करूँगा तो वो बताएगा कौन कौन सी जो है फाइल सेव है वर्ड पैड की ठीक है इस तरह हम ऊपर नीचे दाएं बाएं इससे जो है वो जा सकते हैं इसके अलावा हम चलते हैं अब टेक्स्ट की जानव यानी कि टेक्स्ट के अंदर जो है वो इसका किस तरह जो है वो यूज़ करते हैं तो मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर जो है वो एम एस वर्ड की जो फाइल जो है वो ओपन करता हूँ यहाँ पर मैं जो है वो कोई चीज़ जो है वो लिखता हूँ एक पैराग्राफ जो है मैं लिखता हूँ यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ इक्वल रैंड आर ए एन डी और मैं यहाँ पर जो है वो फाइफ लिख देता हूँ और ब्रैकेट बंद करके मैं इंटर लगाऊंगा और एक ये जो है वो पैराग्राफ लिखा जाएगा शीट के ऊपर अब यहाँ पर इसका जो मेन काम शुरू हो रहा है मैं ऊपर जाता हूँ माउस पॉइंटर के जरिए अब देखिए आपको एक कर्सर नज़र आ रही है जो शुरू में देखिए फर्स्ट लाइन में वो ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है आपको ठीक है अगर आप इसको दाएं तरफ लेकर जाना चाहते हैं ये देखें दाएं तरफ ले जाएं टेक्स्ट के आप जो है वो नीचे आना चाहते हैं तो ये देखें आप जो है वो तेजी के साथ जो है वो नीचे भी आ सकते हैं इसके अलावा आपने जो है वो लेफ्ट की जान जाना है लेफ्ट की जान चले जाए और अगर आपने ऊपर जाना है तो जो है वो आप ऊपर जा सकते हैं इसके साथ जो है हम किसी भी टेक्स्ट को अपनी मर्जी से जो है वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन हमें जो है वो एक की की जो है वो सपोर्ट जो है वो यहाँ पर लेनी पड़ेगी एक शिफ्ट की करसर आपने जो है वो स्टार्ट लाइन पर रखी हुई देखिए ऊपर जाकर जहाँ ऑन लिखा हुआ है यहां मैं जो है वो शिफ्ट प्रेस करता हूँ कि और इसके साथ ही मैं ये देखिए राइट एरो प्रेस करूंगा और ये जो है वो सिलेक्ट होना शुरू हो गया टेक्स जो इसको मैं जो है वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ ठीक है अगर आपने तेजी के साथ करना है तो ये देखें डोन की यानी कि डोन एरो मैं यूज कर रहा हूँ तेजी के साथ जो है वो मैं नीचे आ रहा हूँ इस तरह आप जो है वो किसी भी जो है वो टैक्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं एरो की के जरिए और एरो की का मैं यहाँ पर यूज़ बता दूँ कि एरो की जो है वो मुख्तलि जो है वो सॉफ्टवेयर में मुख्तलि इसका इस्तेमाल होता है मसल एम एस पावर पॉइंट के अंदर इसके अलावा जो है वो एम एस एक्सेल के अंदर सेलेक्ट को जो एम एस एक्सेल के अंदर जो है वो सेल को सिलेक्ट करने के लिए जो है वो इसका हम इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर देखें आपको एक स्क्रोल बार जो है वो नज़र आ रही होगी ठीक है अगर आप जो है आपका ये जो पेज है पीछे वाला ये जो नज़र आ रहा है अगर यहाँ पर टैक्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है मैं इसकी जो है वो कॉपी करके आगे मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर ठीक है और अब मैं जो है वो पेज को अप डाउन करना चाहता हूँ एक तो आप माउस के जरिए भी कर सकते हैं अपनी जो है वो व्हील बटन के जरिए भी कर सकते हैं उसके अलावा आप जो है एरोज कीज का यानी कि इस्तेमाल करके आप पेज को अप डाउन भी कर सकते हैं अब मैं देखें ऊपर लेकर जा रहा हूँ कर्सर को ठीक है और यहाँ पर जो है वो नीचे लेकर जा रहा हूँ ये देखिए पेज नीचे चला गया ठीक है और अगर आपने ऊपर करना है ये देखें आपका पेज जो है वो ऊपर की जानब जो है वो जाएगा ये वाली स्क्रोल जो है वो यहाँ पर ये वाला जो है ये जो है वो एरो की का इस्तेमाल करके हम जो है वो अप डाउन जो है वो इसे कर सकते हैं इस तरह इसके अलावा किसी भी जो है वो ब्लैंक शीट को या किसी भी जो है वो फाइल को आप यहाँ से ये देखें एक तो आप माउस के जरिए जो है वो इसको ज़ुम इन जूम आउट कर सकते हैं इसके अलावा आप जो है एरो की का इस्तेमाल करके भी पेज को ज़ुम इन जुम आउट जो है वो कर सकते हैं ये तो था बेटा आज का जो है वो मैंने जो है वो कुछ यूज़ बताया एरो कीज़ का आप चले जाएँ स्पेशल पर्पज़ की के नीचे जो आप देखेंगे चार एरो कीज़ आपको मिल जाएंगी इसके अलावा आपको जो है वो नूमेरिकल कीज़ पैड के अंदर जो नंबरिंग की है फोर एट सिक्स टू इसके ऊपर भी जो है वो आपको एरोज की मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी अपनी दुआ में याद रखिएगा फ़ी मान ला वालेकुम